नमस्कार मित्रों, आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग सूचना तकनीकी या कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण बेसिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, केवल क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं। तो कल 21 क्वेश्चन हम लोग सेट वन में किए थे, आज सेट टू है। तो आप लोग घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी समस्या हो तो आप ग्रुप पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, तो आप घबराइए मत, बहुत आसानी से पढ़िए। जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन हैं या आने संभावित क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से बस पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको सीपीयू में एएलयू और सीयू का पार्ट आता है। तो पहला ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 22 का सी सही हो जाएगा, एएलयू, 22 का सी। 23rd, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। पूछ रहा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा तभी आपका। तो पहला ऑप्शन प्रोसेसर, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा प्रोग्राम और चौथा प्रोटेक्टर। तो पहला ऑप्शन प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर ही क्या करता है, डेटा से इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। तो पहला एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप खुद भी गेस कर लिया करिए। देखिए, ये लाइव प्रैक्टिस सेशन तो नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम देते हैं। अभी लाइव सेक्शन जो आपका होगा, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम देंगे आपको बताने के लिए। अभी केवल आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप तो यहाँ पे 24 का एक नंबर सही हो जाएगा, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ये तीन मुख्य भाग हैं CPU कह लीजिए या प्रोसेसर के। 25 नंबर, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल यूनिट। चलिए, 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, या इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे कह दें कि सीपीयू का कार्य क्या है या सीपीयू क्या करता है। तीनों क्वेश्चन एक ही है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, डेटा डिलीट करता है, ऑप्शन बी इनवॉइस बनाता है, ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पे क्या सही होगा मित्रों? ऑप्शन सी सही होगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? अर्थात कौन सा कार्य कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्यों में नहीं आता है या शुरुआती कार्यों में आपके नहीं? तो ऑप्शन ए है आपका, डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन बी सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डेटा को स्टोर करना। तो जैसे आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा होगा, तो आपको इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, मतलब इनपुट डेटा देना, प्रोसेस करना और आउटपुट रिजल्ट को रखना, सेव करना या शो करना, वो तो बहुत बुनियादी काम है। तो स्टोर करना हो गया, इनपुट भी लेना और प्रोसेस करना, ये तो इंपॉर्टेंट कार्य हो गए। तो बी ऑप्शन जो होगा, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये जो ऑप्शन आपका है वो यहाँ पे इसका बुनियादी कार्य नहीं होगा। अर्थात 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिचालन संपन्न करता है, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन कौन सा संपन्न करता है? ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी अर्थमेटिक, ऑप्शन सी ASCII और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो परिचालन संपन्न अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, जिसे यहाँ पे अर्थमेटिक का ऑप्शन दिया है, तो अर्थमेटिक करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? देखिए मैं आपको जो बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल केवल इम्पोर्टेंट आपके छोटे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के शुरुआत, अब हम कंप्यूटर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे जैसे सेट आपके बढ़ेगा तो उसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो उसी में आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU और रैम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CPU में सारी प्रोसेसिंग किसमें होती है? ज़्यादातर CPU में होती है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अर्थात चार ऑप्शन आपको दिए गए, इन चारों ऑप्शन में कंप्यूटर ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं करता है? पहला ऑप्शन प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग और डी आउटपुटिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या है, मानव निर्मित है, कृत्रिम बुद्धि वाला, तो वो समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती है। बाकी प्रोसेसिंग इंप्यूटिंग या इनपुटिंग होगा यहाँ पे, तो आउटपुटिंग ये तीनों काम करता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। देखिए मैं आपको एक ही टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएं। चलिए 31 क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जैसे मेमोरी की बात किया जाए तो मेमोरी दो मेन दो आपकी प्रकार की मेमोरी हैं मुख्यतः। पहला प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी इसको हम कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, या आपके पास बाह्य मेमोरी भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी, तो जो मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी उसके बारे में पूछ रहा है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो जब आप मेमोरी का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मेमोरी जो है किसके संपर्क में कार्य करती है। इंटेल पहला ऑप्शन, दूसरा विशेष कार्यकार, सी रैम और डी CPU। तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक, CPU के समन्वय में कार्य करती है, प्रोसेसर के समन्वय में आपकी मेन मेमोरी कार्य करती है। 32 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रोचिप, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर कई सारे प्रोसेसर को लेके बना होता है, तो उसके कार्य करने के लिए जो माइक्रोचिप लगी होती है वही उसकी मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? तो जब आप इनपुट देते हैं तो फिर आपको इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, डेटा आपको मिलता है। तो क्या कह रहा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया परिमाण क्या है? मेमोरी, बी डेटा, सी आउटपुट और डी इनपुट। तो बहुत आसान क्वेश्चन, आउटपुट होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण आउटपुट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, मेमोरी द्वारा, BCPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो मेमोरी द्वारा नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CPU द्वारा किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं या किसे कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपके हैं ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट और डी सभी। देखिए प्रोसेस मतलब जब आप इनपुट देते हैं डेटा कंप्यूटर को, फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो आप जो आपके रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो ALU CPU की हेल्प से काम करता है, फिर आपको आउटपुट दे देता है। तो जो प्रोसेस डेटा है वो प्रोसेस डेटा इन चार ऑप्शन में कौन हो जाएगा? प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा जो प्रोसेस किया गया डेटा है, तो वो प्रोसेस डेटा क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो प्रोसेस हो चुका है वो आउटपुट होगा, ऑप्शन ए 35 का ऑप्शन ए। CPU का मुख्य घटक क्या है? 36 क्वेश्चन है, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा ये सभी। तो आपने CPU पढ़ा होगा, तो ये सभी मुख्य घटक हैं CPU के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए। 37 कंप्यूटर की क्षमता है, निम्न ऑप्शन ए, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, मानव निर्मित है तो सीमित असीमित नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
38 क्वेश्चन, मान कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो मैंने आपसे बार बार अभी जिक्र किया है कि कंप्यूटर मानव निर्मित बुद्धि, मानव निर्मित है तो कृत्रिम बुद्धि नेचुरल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी शुद्ध, डी अन्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 39 क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत? सॉरी, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य कंप्यूटर की मेमोरी या स्मृति की स्मरण शक्ति की बात करें तो किसकी अधिक होती है, तो वह कंप्यूटर की अधिक होती है, उसकी तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? पूछ रहा है कि मानव मन और कंप्यूटर इसमें किसकी गति अधिक होती है। तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि कई कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े होंगे और उन सब में आपको अलग अलग उनकी स्पीड के बारे में बताया गया होगा। तो अगर उन सबको भी देखा जाए तो मानव मन का जो होता है गति वो सबसे अधिक है, कंप्यूटर से भी अधिक। आप बैठे बैठे सोचते सोचते यहाँ से मुंबई फिर अमेरिका और किसी अन्य देश में पहुँच जाते हैं, तो ये मानव मन की गति है। 41 क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? ये क्वेश्चन खूब पूछता है, ईडीपी क्या है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 42 क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? देखिए, जो भी कभी कभी क्वेश्चन आपके हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड होता है, तो ऑप्शन जैसे रहे वैसे आप पढ़ा करिए, वैसे समझा करिए। इसमें ऑप्शन डेटा, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो इसमें आपका एकत्रित डेटा का तात्पर्य है प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा या मीनिंगफुल डेटा जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एकत्रित, इसको हम क्या करेंगे, मीनिंगफुल डेटा कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका 42 पॉइंट के लिए सही हो जाएगा। 43 फिर क्वेश्चन पूछा, लेकिन देखिए ऑप्शन बदल दिया है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अभी आपसे पूछा गया कि सूचना किसे कहा जाता है, पूछ रहा डेटा किसे कहा जाता है या डाटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चिन्ह को, ऑप्शन बी संख्या को, ऑप्शन सी दी गई सूचना को और ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों को मिला के कह रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि डेटा क्या होता है, बिल्कुल रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं आपके वो क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, संख्या हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। 44 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऊपर भी क्वेश्चन था ये, बट ये थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन है, बदल दिया गया है, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू और इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। 45 कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर में जाने वाले या कंप्यूटर में यूजर द्वारा दिए जाने वाले, आपकी जो आप जो जानना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो आप जो डेटा देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इनपुट कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए गणना का कार्य करना, ऑप्शन बी डेटा का संग्रह करना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी। तो देखिए इन तीन चारों ऑप्शन को देख के आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आप उसका एप्लीकेशन क्या करते हैं, कहाँ पे उसका उपयोग करना है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य अर्थ यही होता है कि कोई डेटा है आप उसको सूचना में बदलते हैं, प्रोसेस्ड कर दिए, तो वो सूचना में हो गया, डेटा प्रोसेस्ड हो गया, मीनिंगफुल हो गया, वो सूचना हो गया। तब उसका एप्लीकेशन क्या है उसके लिए जो हम तैयार करते हैं, इसीलिए हम डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो प्रोसेसर या सीपीयू। ठीक, देखिए क्वेश्चन आंसर सेम है लेकिन बार बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाने वाला है, इसको इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है जो चीन द्वारा निर्मित किया गया है और ये 200 से 300 ईसा पूर्व आपका बना हुआ था,
ठीक है, आप देखे होंगे कि कई सारे विद्यालयों में अबेकस रखा होता है जिससे हम बच्चों को समझाते हैं, दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 50 का आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन ए है कैलकुलेटर, ऑप्शन बी है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी है अबेकस, और ऑप्शन डी है घड़ी। लेकिन ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रथम गणना यंत्र। 51 क्वेश्चन, पोकमैन, यहाँ पे पैकमैन है, पैकमैन पोकमैन दोनों देता है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि पैकमैन किससे संबंधित है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर एस। तो ये ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी पुस्तक प्रकाशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पुकमैन आपका है, पिकमैन जो है खेल के लिए संबंधित है, तो आप इसको ऑप्शन सी सही कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? आपके पास ऑप्शन है जान मैकुली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइगन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लेज पास्कल ने प्रथम कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया जिसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो मित्रों, आपने जितने भी क्वेश्चन किए आपको आंसर भी दिया गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा के लिए लाभकारी होंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।